गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द पार्ट थ्री, रिवीजन पार्ट थ्री, सॉल्यूशंस। रॉल्ट्स लॉ, वी ऑल हैव रेड अबाउट रॉल्ट्स लॉ। दिस इज पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर इन अर्लियर वीडियोस, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड रॉल्ट्स लॉ। व्हाट इज रॉल्ट्स लॉ बेटा? फॉर एनी सॉल्यूशन, कैन यू सी चिल्ड्रन, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर of each volatile component is directly proportional to its mole fraction. Understood? This is Rolle's law. Now what is positive deviation and what is negative deviation? Positive deviation means the delta V of mixture is positive. Change in volume is positive and enthalpy, change in enthalpy of mixture is also positive. And they will show minimum boiling azeotrope, right? Example क्या होगा? Binary solution of ethanol and water. Binary, you all understand, दो component होने चाहिए, so binary solution of ethanol and water. Then what about negative deviation? जो Rolle's law को पूरी तरह obey करे वो ideal solution होता है, जो ना obey करे वो non-ideal solution होता है. सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन आएगा या नेगेटिव डेविएशन आएगा? नेगेटिव डेविएशन में अगेन डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज ऑल्सो नेगेटिव एंड दे आर नाउ यू सी इन आइडियल सॉल्यूशन नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन आर देयर. ये किसका ओबे कर रहा है? रॉल्ट्स लॉ को जो ओबे करते हैं, जो गुड स्टूडेंट होते हैं, जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, दे आर फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन. एंड दोज हु डू नॉट ओबे द रॉल्ट्स लॉ, दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन. राइट नाउ आई सेड यू एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. राइट नाउ वी हैव कम टू मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप. कब होगा? जब नेगेटिव डेविएशन होगा. पॉजिटिव डेविएशन समझ में आया सबको? जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो डेल्टा वी इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं हियर, 20.2% ऑफ एस सी एल एंड 79.8% ऑफ एच टू ओ. राइट बेटा? और ये तो रॉल्ट्स लॉ की डेफिनेशन है. सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ रॉल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, रॉल्ट्स लॉ एज इट इज. करेक्ट. सॉल्यूशन में वन मोर थिंग वी हैव रेड, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास. कैन यू सी चिल्ड्रन? एबनॉर्मल मोलर मास. एबनॉर्मल मीन्स व्हाट? व्हेन द मॉलिक्यूलर मास इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, या तो ज्यादा होगा या कम होगा, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास. और उससे हमने सीखा वर्नथॉफ फैक्टर, हाउ टू फाइंड स्मॉल आई, दैट इज वर्नथॉफ फैक्टर. स्मॉल आई का फॉर्मूला वी हैव रेड, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास. नाउ आई विल टेल यू अगेन, आई रिपीट यू, व्हाट इज एजियोट्रोप. ओके, वी हैव रेड इट अर्लियर बेटा. अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विच हैज ए कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द डिस्टिलेशन इज नोन एज एजियोट्रोप. राइट. Now, what is minimum boiling azeotrope? Let me underline it. Minimum boiling azeotrope. It is a liquid mixture which has a lower boiling point than its individual part. इसके जो individual part है जिससे वो liquid बना है mixture, उससे अगर lower boiling point हो तो minimum boiling azeotrope. Then इसका example अभी मैंने ऊपर बताया, ethanol and water. What is maximum boiling azeotrope? Maximum boiling azeotrope when the liquid mixture has higher boiling point than its individual parts. Okay? So, abhi example iska bataya, 20.2% of HCl and 79.8% of H2O. This is all about azeotrope. Now, during revision, I will give you some questions and I will also solve the questions. Then I will give you the homework that you have to solve at home. So first question is, let me show you some questions asked in competitive exams and board. First question is, if osmotic pressure of a solution at 27 degree C is 0.82 bar, what will be the molarity of the solution? Which formula you will use?
पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेरी सिंपल। सो आर की वैल्यू ले लेंगे 0.083, राइट। नाउ व्हाट इज अवर पाई, पाई इज गिवन 0.82 बार, सो लेट मी राइट हियर 0.82 बार इज इक्वल टू सी, वी हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी मीन्स सी। आर की वैल्यू ले लिया 0.083 इंटू टेम्परेचर इज 300, फ्रॉम वेयर 300 केम बेटा 27 डिग्री सी प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन, केल्विन वी हैव चेंज्ड, सो सी इज इक्वल टू 0.82 डिवाइडेड बाय 0.083 इंटू 300, लेट मी मल्टीप्लाई 0.4.9 एंड इट इज 0.82, सो डिवाइड 0.82 डिवाइडेड बाय 24.9 इज इक्वल टू 0.0329 मोलार, दिस विल बी द आंसर। एंड इन ऑप्शन इफ इट इज गिवन 0.033 देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड बेटा, आफ्टर 2.9 इज देयर सो इट कैन बी रिटेन एज 0.033 मोलार, सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन इज हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10% W/W 500 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ NaOH। बेटा ऑल दीज क्वेश्चन सीम टू बी वेरी इजी बट दीज क्वेश्चन आर आस्क्ड इन गुडसेट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स। सो वन मार्क क्वेश्चन इज देयर, हाउ मच NaOH, सो परसेंट W/W फॉर्मूला हाउ वी विल राइट, परसेंट W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, याद आया ऊपर सॉल्यूट लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एज इट इज परसेंट सो इनटू 100, वेरी सिंपल। सो व्हाट इज अवर सॉल्यूट, वी डोंट नो हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड, सो वी डोंट नो सॉल्यूट, सो लेट इट बी एक्स, अंडरस्टूड। परसेंट W/W 10 इज गिवन, सो 10 इज इक्वल टू एक्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इज 500 इनटू 100, therefore 2020 cancel, so x is equal to 50, what is 50, 50 gram, so 50 gram will be the answer. Calculate the osmotic pressure of 0.25 molar, you understand beta, this is capital C, urea solution at 27 degree C temperature, again we will use the same formula, pi is equal to CRT, correct. So here osmotic pressure only we have to calculate. So pi is equal to C is 0.25 multiplied by the value of R is given already. So 0.082 it is given into temperature 300 Kelvin, 27 degree C converted into Kelvin. So 300 Kelvin. I hope the whole class knows how to calculate. Now let me multiply all these things. The answer should be, so answer is 6.15 atm atmosphere, understood beta, very easy question. Now the next question is find out the normality of the solution prepared by dissolving 9.8 gram H2SO4 to 500 ml solution. Beta the question is of normality, what is the formula for normality, normality is equal to mass of solute divided by its equivalent weight of solute into volume of solution in liter. Do you all remember 11th mein padha hai, volume of solution in liter, right. So n is equal to what is, let me show with the mass of solute. So mass of solute is 9.8 gram, but what will be its equivalent weight? As it is H2SO4, so how many displaceable hydrogen are there? 2. Kitne hydrogen is me? Displaceable 2. So equivalent weight kaise nikalte hai? Molecular weight upon displaceable hydrogen, yani 2. So molecular mass iska find karoge to 98 aayega. So 98 divided by 2, you know how to find it, 98 divided by 2, again I repeat, from where 2 came,
because two displaceable hydrogen atoms are there. So 98 divided by 2, that is 49. 49 is the equivalent weight of solute, that is H2SO4, right? Ab simple put kar dena hai. Therefore, normality is equal to, what is the mass of solute? Kitna de rakha hai? 9.8 gram. So 9.8 divided by, what is its molecular equivalent weight? 49, right now we have calculated, into volume of solution in liter. So it is 500 ml. So ml has to be converted into liter, divided by 1000. So let us cancel this. One more zero will come here. 49 2 ja, 49 1 ja. 1 0, 1 2 3, 1 2 3. So it is 1 upon 5, sorry, 2 upon 5. Okay. So answer should be 0.4 normal. 5 4 ja 20, 0.4 normal. Got beta? So this is the way we calculate the normal. Next question is, what will be the normality of resulting solution obtained by mixing 4 ml 0.05 molar H2SO4 solution and 6 ml 0.3 molar H2SO4 solution? Okay, so in this what formula we will use? Do you remember children? M1 V1 plus M2 V2 is equal to M3 V3. Correct? So, what is our M1? First molarity kya hai? 0.05 into volume is 4 plus what is our M2? 0.3 into what is our V2? 6 is equal to M3 we don't know. So, let it be M3 into what is our V3? Jo dono ka total hai ml, wo count kar lo. So, 6 ml and 4 ml. Yani 10 ml. Right? You understood children, बेटा कहां से लाई है V3? तो दो solution को mix किया, दोनों का जो total volume होगा, that is V3. Therefore, let us multiply this, 5, 4, that 20. So this will be 0.20. Then plus 6, 3, that 18. 1.8 is equal to M3 into 10. So this will be, let us add this 1.8 plus 0.20. 0.2. Therefore, 2 is equal to M3 into 10. Therefore, M3 is equal to 2 upon 10 is equal to 1 upon 5 is equal to 0.2 molar. I hope everybody understood. Two solutions are mixed. And so, तीसरा volume क्या होगा? एक glass में 10 ml, दूसरे glass में 10 ml. So, third volume कितना? Total volume कितना हो जाएगा? 20 ml. So, here 4 ml, 6 ml. Therefore, we got V3, 10. Then put on this formula, you will get molarity 0.2 molar. Now, what is normality formula? Normality is equal to molarity into basicity. Basicity. Acid है, तो basicity लेंगे. Now, who will answer me? What is the basicity of H2SO4? Two displaceable hydrogen are there. So, basicity is 2. Basicity of H2SO4. Jab tak puri class answer nahi karegi, tab tak I will speaking and speaking. So, H2SO4 basicity will be 2. Understood? Two displaceable hydrogen. Therefore, M humne nikal liya 0.2. Multiplied by 2, so normality will be 2 to the 4, 0.4 normal. This will be the answer. One mark question. Next question is very interesting, beta. Okay. The vapor pressure of ethanol and propanol mixture is 290 mmHg at 300 Kelvin. If vapor pressure of propanol is 200 mm and mole fraction of ethanol is 0.6, then what will be the vapor pressure of ethanol at 300 Kelvin? ठीक है, total mixture का हमें मालूम है vapor pressure, right? So P we know in this formula, P we know P is 290, right? Is equal to PA dot क्या है दिया रखा है? Vapor pressure of propanol is 200, so 200 and the vapor pressure of propanol is 200 mm at
300 Kelvin. So you see here, the vapor pressure of propanol is given 200, but iska mole fraction nahi de rakha hai beta. Into mole fraction we don't know, but ethanol ka mole fraction de rakha hai, that is 0.6. So who will answer? 1 minus 0.6 karenge to 0.4 will be the mole fraction of this component, that is propanol. Understood? Mole fraction kaise nikalte hai? 1 mein se minus karke. So ethanol ka malum hai, so 1 minus 0. So you see 290 is equal to 200 into 0.4. Kaan se hai 0.4? It, the mole fraction was not given. कहां से कैलकुलेट किया? 1 माइनस 0.6. दो ही कंपोनेंट है, एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4 प्लस पी बी नॉट इंटू 0.6 या पी जीरो बी, वट एवर यू प्रोनाउंस इट. सो वी विल राइट 290 इज इक्वल टू 204 800, बट यहां पॉइंट आ जाएगा प्लस 0.6 पी बी नॉट. देयर फोर 290 माइनस 80 is equal to 0.6 p not b. Now it is minus karoge to 210 is equal to 0.6 p b not. Therefore vapor pressure of ethanol is equal to 210 divided by 0.6. So when you will divide, so PB naught is equal to 210 divided by 0.6. So answer should be 350 mm. For today this much revision is there beta. I am giving 5 or 6 questions to solve by yourself. When you will solve, send on my personal WhatsApp number, I will check.